गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 24 और आज से भाई हम बिगेन करने वाले आईसीसी वर्ल्ड टी 2024 का भाई टूर्नामेंट। तो भाई आज हम अपना खेलेंगे पहला मैच इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज। तो चलो भाई जल्दी से अपना मैच स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज आप मेरे को और भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो कि मैं अपने वीडियोज़ पर क्या क्या काम करा करूँ, तो भाई हम वही सब काम करेंगे। तो अब एक काम करते भाई, सबसे पहले भाई लाइनअप सेट करते दोनों टीमों की। तो देखते हैं भाई हमको किसको खिलाना है, किसको बाहर करना है। तो सूर्य कुमार यादव की जगह यहाँ पर आएंगे भाई किंग कोहली अपने, ठीक है, किंग कोहली आएंगे। रविंद्र जडेजा आएंगे यहाँ पे, रविंद्र जडेजा सॉरी सर ऐसा ये नहीं रविंद्र जडेजा नहीं नहीं रविंद्र जडेजा को नहीं खिला रहे। शिवम दुबे आएंगे यहाँ पे, शिवम दुबे आएंगे ईशान किशन की जगह, विष्णु विनोद की जगह यहाँ पे आएंगे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और युजवेंद्र चहल को हम खिलाएंगे कहाँ पे, युजवेंद्र चहल को हम खिलाएंगे यहाँ पे, किसी एक बॉलर को हटाना पड़ेगा। तो भाई युजवेंद्र को हम ले आते हैं यहाँ पे 11th नंबर पे। तो अपनी इंडिया की भाई लाइनअप सेट है, संजू सैमसन को भाई नहीं खिला रहे, तो संजू सैमसन की जगह यहाँ पे हम लेके आएंगे अपने ऋषभ पंत भाई को। तो ऋषभ पंत को हमने ले लिया, अब बारी है वेस्ट इंडीज़ की। तो भाई वेस्ट इंडीज़ की लाइनअप भी सेट कर लेते हैं गाइस। बाकी भाई आज की वीडियो पर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि भाई हम अगला मैच क्या करें। तो यहाँ पर जॉसन चार्लिस, सिमरन हिटमायर, ब्रैंडन किंग सॉरी ब्रैंडन किंग भाई ओपनिंग करता, चार्लिस और ब्रैंडन किंग, साई ऑफ सिमरन हिटमायर, होल्डर रसल, निकोलस पूरन। और यहाँ पे हम खिलाएंगे भाई समार जोसेफ को अकेल हुसैन की जगह, गुदकेस मोटे की जगह आएंगे यहाँ पे रोवन पोवल, और अकेल हुसैन आएंगे यहाँ पे इसकी जगह रोमारियो सैफर्ड की जगह। तो भाई अपनी लाइनअप यहाँ पे सेट है दोनों टीमों की। तो चलो भाई अब जल्दी से अपने मैच को भाई बिगिन करते हैं और देखते भाई आज का पहला टूर्नामेंट का मतलब फर्स्ट मैच कौन जीतता है, इंडिया या वेस्ट इंडीज़। सो लेट्स सी वो विल वॉन द मैच। और आप भी कमेंट करके बताना कि भाई आपको वीडियो पसंद आती है, तो कमेंट करके बताना कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो हम और भी वीडियोस लाएंगे ऐसी। और आप मेरे को और भी कंटेंट सजेस्ट कर सकते हो कि भाई हम क्या खेलें, जैसे कि भाई बेस्ट आईपीएल 11 वर्सेज बेस्ट पीएसएल 11, तो हम ऐसे मैचेस खेल सकते हैं। तो भाई ये रहा अपना ग्राउंड, अपने किसका ग्राउंड है भाई, ये यूएसए का ग्राउंड है। तो यहाँ पे अपने मैच स्टार्ट करते हैं भाई। तो बढ़िया ग्राउंड है यहाँ पे, बारी है टॉस की। सो रोहित शर्मा आ गया भाई अपने कप्तान टॉस के लिए, तो देखते हैं भाई रोहित शर्मा जीत पाते या नहीं। तो वेस्ट इंडीज हैज कोल्ड हेड, सो लेट्स सी वो विल वॉन द टॉस। तो इंडिया हैज वॉन द टॉस एंड वी वर इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो भाई यहाँ पे हम करने आए पहले बल्लेबाजी। और गाइज मैं आपको बताता हूँ कि देखो ज़्यादा मतलब पूरा बड़ा वो करेंगे नहीं हम कि 20 ओवर खेलेंगे, मैं सिर्फ 2 ओवर शुरू की बैटिंग करूँगा, फिर भाई हम सीधा आखिरी के 4 ओवर खेलेंगे। तो हम ऐसे करेंगे ताकि वीडियो भी लंबी ना और आपको भी फुल मजा आए। फर्स्ट बॉल, बढ़िया बॉल भाई इंडिया यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। तो देखो हमको भाई जो भी खेलने मिलेगा वो हमारी किस्मत की बात है कि कौन खेलने मिलेगा, क्योंकि देखो वीडियो में यार पूरा T20 तो हम नहीं खेल पाएंगे, कवर करना बहुत दिक्कत रहता है भाई फिर, और एडिटिंग करना भी भाई बहुत भारी हो जाता है, तो वो तो मैं भी नहीं कर सकता। बाकी भाई मैंने ऐसे और भी बंदों को देखा जिनका अब ग्रोथ है, पहले वो भी भाई खुद 1-2 ओवर खेल लेते फिर सीधा सिमुलेट कर देते, तो हम वही करेंगे भाई। थर्ड बॉल डालेंगे यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को हिट। अबे भाई ये बंदा तो साला, भाई बंदा बैक फुट पर इतनी फेंक रहा है, हाइट ही साले की इतनी लंबी है। कोई नहीं भाई मैं बैक फुट के लिए तैयार हूँ, बस ये पता लगे ये यॉर्कर ना डाल दे। कम ऑन जायसवाल, कम ऑन जायसवाल। देखा भाई बंदे ने, और ये लो भाई कप्तान रोहित तो आउट हो गए यार यहाँ पे, एक रन के चक्कर में भाई यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा को जाना पड़ेगा भाई। सो डिफ़िकल्टी देख लेते भाई एक बार, डिफ़िकल्टी अपनी कैसी है। सो डिफ़िकल्टी फुल रियलिस्टिक है। अरे भाई यहाँ पे कोल मतलब रोहित को जाना पड़ेगा यार जायसवाल की वजह से, रन आउट करा दिया जायसवाल ने फिफ्थ बॉल, और जायसवाल भाई हिट ही नहीं लगा पा रहा बिल्कुल, पहला ओवर बिल्कुल डॉट गया है भाई, और एक विकेट चली गई बड़ी, वो भी रनआउट के तौर पे गई, ऐसे नहीं कि भाई रोहित शर्मा आउट हो गए, ऐसा हुआ ही नहीं। सो लास्ट बॉल है, कम ऑन जायसवाल भाई एक हिट तो लगा दे यार। चलो भाई पहला हिट आया यहाँ पे, 4 रन मिलेंगे भाई फर्स्ट बॉल, मतलब आखिरी बॉल पे चौका लगाया पर भाई बहुत बड़ी विकेट ले गए जायसवाल। तो अब खेलेंगे भाई कोहली भाई से, तो ये 1 ओवर खेलेंगे, इसके बाद मैं सीधा सिमुलेट कर दूंगा 15 ओवर के लिए। फर्स्ट बॉल किंग कोहली, देखते किस तरीके से खेलेंगे भाई। बैक फुट पे खेलो कोहली भाई, आउट यार, गलत मैच हो गया भाई। रसल ले गया भाई यहाँ पे कोहली को, बैक फुट पे खेला था और सीधा कवर के हाथों में मार दिया भाई। यहाँ पे कोहली भाई पहली बॉल पे भाई बहुत गुस्से में गए, सॉरी कोहली भाई आपको रन आउट मतलब आउट करवा दिया। सो 4 रन पे 2 विकेट गिर गया है भाई यहाँ पे। तो भाई हम 15 के बाद खेल भी पाएंगे, पता लगे मैं सिमुलेट करूँ मैच ही खत्म। ओ भाई क्या बॉलिंग कर रहे यार ये भाई, सच बताऊँ तो ये अपनी
हाइट के से बॉलिंग करा भाई तगड़ी बिल्कुल बढ़िया। रसल मसल भाई विकेट ले गया कोहली की। थर्ड बॉल कम ऑन ऋषभ पंत, पंत बढ़िया हिट भाई, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे। ऋषभ पंत को स्ट्रेट मारा भाई, 4 रन सॉरी 6 रन तो नहीं मिल पाए पर 4 रन मिला। इंडिया के स्कोर है भाई 8 for 2 और 3 बॉल और खेलते फिर भाई सीधा हम कर देंगे सिमुलेट। तो भाई आप मेरे को और भी कमेंट करके बता सकते हो, प्लीज़ बताना भाई कि आपको और कौन सा कंटेंट देखना है। फोर्थ बॉल एक और बढ़िया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और एक और चौका भाई। ऋषभ पंत फंटेस्टिक पंत भाई, बैक टू बैक चौके लगाते हो यहाँ पे ऋषभ पंत भैया। तो 2 बॉल और बची है, देखते भाई रसल को और पेल पाते हैं या नहीं। और अब देखेंगे सीधा 15 ओवर के बाद कि इंडिया ने कितने बनाए हैं या नहीं। फिफ्थ बॉल कम ऑन रन, रंत पंत सॉरी भाई गलती से निकल गया भाई। इस बार बढ़िया छक्का यहाँ पे ऋषभ पंत का, तो ऋषभ पंत भाई बहुत बढ़िया ताबड़तोड़ पारी कर रहे हैं भाई। 4 बॉलों पे 14 रन भाई, अलग खेल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भाई। जायसवाल ने प्रेशर बना दिया था पूरा। लास्ट बॉल बढ़िया बॉल यहाँ पे रसल मसल की। सो 2 ओवर में भाई इंडिया ने बनाए सीधा 18 रन। सब बारी है भाई सिमुलेट करने की, तो देखते हैं भाई सिमुलेट में क्या होता है। पहले 5 ओवर करके देखते हैं, 18 पे 3, 8 ओवर में भाई। ओ भाई ये क्या हो गया इनका। चलो भाई 99 रन पे भाई अपनी बैटिंग आई है यहाँ पे। तो अब ये 5 ओवर हम खेलने वाले, देखते हैं 5 ओवर कैसे खेलने वाले भाई। थोड़ी आवाज़ पता नहीं क्या हो गया। फर्स्ट बॉल शिवम दुबे यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा भाई बल्लेबाजी के लिए बच्चा कौन है, मेरे को देखना है एक बार। सो शिवम दुबे और अर्षदीप सिंह भाई, हार्दिक भी नहीं चला, 6 विकेटें चली गई भाई यहाँ पे 99 रनों पे। सेकंड बॉल तो यहाँ पे भाई देखते हैं यहाँ से हम कितने रन बना पाते हैं, क्या टीम को ऐसे टोटल की तरफ ले जा सकते हैं भाई जहाँ से डिफेंड हो सकते हैं रन। तो 101 रन हो चुके हैं भाई। तो देखो गाइस ज़्यादा बड़ी वीडियो मेरे को बनानी नहीं, और आपको आप लोग को पता है ऑब्वियसली बात है भाई मेहनत कितनी लगती है ना, आप लोग को पता है ना भाई। थर्ड बॉल तो आप लोग पहले मेरे को, और देखो भाई मेहनत करने में दिक्कत नहीं पर भाई वीडियो में व्यूज़ ना आए तो उसमें दिक्कत है ना। तो पहले आप मेरे को इसमें सपोर्ट दिखाओ, जब भाई मैं 10 दिन जब मतलब 10 वीडियो में कुछ रिस्पॉन्स, जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब थोड़ा कंटेंट और तगड़ा चाहिए जब हम खेलेंगे भाई। फोर्थ बॉल बढ़िया शॉट यहाँ पे अर्षदीप सिंह का, आई थिंक 2 रन मिल सकते हैं, मिल जाएंगे भाई। बढ़िया रनिंग, दोनों लंबे लंबे हैं भाई, पहुंच जाएंगे बढ़िया रनिंग। तो कप्तान रोवन पोवल, सो भाई 4 बॉलों पे कितने रन आए, सिर्फ 5 रन आए, तो भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई है वेस्ट इंडीज़ ने। फिफ्थ बॉल अर्षदीप ने एक और बल्ला घुमाया भाई, और 2 रन आई थिंक और मिल जाएंगे भाई। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स भाई, दोनों ही तगड़ा भाग रहे हैं यहाँ पे, और शिवम दुबे तो भाई और फास्ट भाग रहे हैं। तो आफ्टर 15.5 में भाई 106 रन। तो देखते भाई आखिरी चौर में, आखिरी 4 ओवर में क्या ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी कर पाते या नहीं। लास्ट बॉल है, बढ़िया 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 बॉल भाई। सो 16 ओवर में इंडिया के 6 रन है भाई, 4 ओवर बचे हुए हैं और बैट्समैन बचा हुआ है एक, अल्जारी जोसेफ आया है भाई। थोड़ा सा भाई साइड चेंज करते, देखते भाई क्या यहीं फेंकेगा हमारे पैरों पे। ये लो भाई, अरे भाई भाई हे राम क्या करें भाई। टाइमिंग देख रहे भाई, गुड टाइमिंग में गैप नहीं मिला यार, अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ भाई। यार ये तो गुड टाइमिंग थी, गुड टाइमिंग में गैप ही नहीं मिला भाई। सेकंड बॉल कम ऑन कम ऑन, ओ लो भाई बहुत गंदा शॉट यार, डंडे उड़ गए यहाँ पे बुमराह के। अब थोड़ा सा सीरियस होके खेलना पड़ेगा भाई। थर्ड बॉल कम ऑन सिराज, मोहम्मद सिराज भाई भाई 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे। चलो भाई सिराज ने सोचा भाई 1 रन ही निकाल लूँ मैं, क्यों आउट हूँ यहाँ पे। और अच्छा अल्जारी जोसेफ ने लिया भाई, 4 विकेट ले चुके, 2 तो अभी ले लिए, 2 इससे पहले लिए भाई, तो कोई चला ही नहीं आज। फोर्थ बॉल बढ़िया शॉट यहाँ पे अर्षदीप सिंह का, चौका तो नहीं मिलेगा आई थिंक, चौका मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा भाई। 3 रन जरूर मिल जाएंगे, बढ़िया शॉट यहाँ पे अर्षदीप सिंह का। यहाँ पे अर्षदीप थोड़ी सी बल्लेबाजी कर रहा है भाई ताकि डिफेंड कर सके। सो 110 रन तो हो गए यहाँ से, देखते 120-30 जोड़ पाते या नहीं। सो मोहम्मद सिराज दोबारा से भाई, 5वीं बॉल, ओ भाई बढ़िया कवर ड्राइव, देखते भाई क्या करवाता है ये। फर्स्ट बॉल भाई अब नहीं खेलूंगा ये शॉट, ये लोग यार बहुत होशियार हो गए हैं, पहले नहीं थे भाई गेम में होशियार इतने जितने अब बन रहे हैं। सेकंड बॉल कम ऑन वर्ल्ड कप है ना भाई, जब भी थोड़ा एआई अलग मूड में है।
ये लो भाई गैप में मिला, अच्छा है भाई। शिवम दुबे का भाई, भाई हम अगर इतना गैप में खेलते ना तो हमको चौका मिल जाता। पर कोई नहीं, 115 रन है भाई अपने बैंक में। देखते भाई थर्ड बॉल, कमोन सिराज, मियाँ भाई, मियाँ 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 भाई, अपन उनको बोलते मियाँ भाई। मैं भाग जा, रन ही नहीं भागे भाई फ्री का भी। ओ भाई क्या शॉट खेला यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने, 4 रन भाई, बढ़िया शॉट मोहम्मद सिराज का। एक और चौका यहाँ पे, एक और चौका, मतलब एक ही तो चौका है, पर भाई मोहम्मद सिराज की टाइमिंग अच्छी हो रही है थोड़ी सी। बढ़िया शॉट मोहम्मद सिराज का, इसी बीच 10 रन बना चुके हैं भाई। फिफ्थ बॉल, ओ भाई एक और बढ़िया शॉट, और आई थिंक 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे मोहम्मद सिराज का, मोहम्मद सिराज थोड़े से रन जोड़ते हुए भाई। तो 123 रन हो चुके हैं भाई इनके। लास्ट बॉल बची है, देखते भाई क्या कराता है पवन। ओ भाई बढ़िया स्विंग यहाँ पे। तो 18 ओवर में इंडिया स्कोर है 123/8। बारी अलजारे जोसेफ की, तो देखते भाई अलजारे जोसेफ किस तरीके से करवाता है। 18वां ओवर, फर्स्ट बॉल डालेगा यहाँ पे अर्शदीप को, और अर्शदीप ने भाई बैक फुट पे खेला 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट अर्शदीप का, बहुत बढ़िया चौका यहाँ पे। तो भाई बॉलर्स थोड़े से रन जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। सेकेंड बॉल, कम ऑन, 1 रन मिल जाएगा भाई, खराब शॉट था बहुत ज़्यादा। सो मोहम्मद सिराज आगे स्ट्राइक पे भाई, मोहम्मद भाई, मोहम्मद सिराज। देखते भाई मोहम्मद सिराज क्या करता है। अलजारे जोसेफ को थर्ड बॉल, ओ भाई अपर कट, और 6 रन जड़ दिए भाई यहाँ पे। तो बॉलर्स बल्लेबाजी कर रहे भाई हमारी टीम के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पे, 6 रन, फुल अपर कट भाई। सिराज भाई, मियाँ भाई जलवा बिखेर रहे हैं यहाँ पे, अपना 20 रन बना दिए भाई 10 बॉलों में। सो बढ़िया शॉट यहाँ पे, फोर्थ बॉल डालेंगे अलजारे जोसेफ मोहम्मद सिराज को, और आई थिंक चौका मिल सकता है इसमें। मिल जाएगा भाई गैप में एक और चौका भाई। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे मोहम्मद सिराज। ऐसी बल्लेबाजी थोड़ी इंडिया के ऊपर के प्लेयर करते तो भाई इंडिया के रन हो सकते थे 200 के ऊपर, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिफ्थ बॉल मोहम्मद सिराज दोबारा से, और मोहम्मद सिराज इस बार, ओ भाई बच गए भाई, चौका चला गया, किस्मत का साथ मिला यहाँ पे मोहम्मद सिराज को। तो एक और चौका, तो 28 रन बना दिया भाई 12 बॉलों में। सो मोहम्मद सिराज भाई अलग फायर कर रहे हैं भाई यहाँ पे। देखते भाई लास्ट बॉल है क्या करता है यहाँ पे अलजारे जोसेफ। ये लो भाई एक और अपकट, और एक और छक्का यहाँ पे। क्या खेल रहा भाई मोहम्मद सिराज, बिल्कुल अलग मूड में है भाई बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई, ये देखो क्या शॉट खेला है मोहम्मद सिराज ने। आखिरी ओवर है भाई, समाज जो से 148 पे पहुंच गई यहाँ पे टीम, जो कि नहीं पहुंचने लगी थी। ये सब हुआ है भाई मोहम्मद सिराज की वजह से। और थोड़ी सी बल्लेबाजी अर्शदीप ने भी करी भाई, अपील भी कर रहा है, एज लगा हुआ है बल्ले का। अबे गंजे एज लगा हुआ है साढ़े टकलू, टकलू भाई पागल हो गया, एज लगा हुआ है टकलू अपील कर रहा है। सेकेंड बॉल, ये लो भाई मोहम्मद सिराज पावर में है भाई, छक्का जड़ दिया भाई एक और, और इसी के साथ अच्छा चौका है। पर भाई 150 रन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो मोहम्मद सिराज भाई अपने लिए रन जोड़ते हुए भाई 28 रन बना दिए बंदे ने। थर्ड बॉल, ये लो भाई एक और अपर कट, आई थिंक 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भाई यहाँ पे, और इसी के साथ भाई 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई आई थिंक, नहीं हुई है, नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो 42 रन बना दिए भाई बंदे ने। फोर्थ बॉल देखते क्या करते सिराज भाई, एक और हिट सिराज भाई। ये लो भाई सिराज ने एक और चौका लगा दिया भाई, 160 पहुंच गए भाई यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे मोहम्मद सिराज की भाई, अचानक से बल्लेबाजी का रूप दिखाया यहाँ पे टीम को। वेस्टइंडीज भी कह रही होगी भाई ये क्या हो गया, 46 रन पे हैं। फिफ्थ बॉल, और इसी के साथ भाई मोहम्मद सिराज की शानदार 50 यहाँ पे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे मोहम्मद सिराज जो 50 रन जड़ दिए भाई वर्ल्ड T20 में, 17 बॉलों में 50 रन भाई, बढ़िया बैटिंग यहाँ पे। तो भाई लास्ट बॉल बची है 50 रन, 165 के 170 पहुँचेंगे लास्ट बॉल, और ऑब्वियस से पहुँचेंगे भाई। सिराज ने पूरा ओवर ही भर दिया भाई चौके से। तो इसी के साथ भाई सिराज की बैटिंग की मदद से भाई इंडिया ने क्रॉस कर दिया भाई 170।
हालत नहीं थी भाई 130 की, पर वहाँ से भाई 170 तो बढ़िया बॉलिंग यहाँ, मतलब बैटिंग मोहम्मद सिराज की। तो पहला ओवर कराएंगे जसप्रीत बुमराह, देखते भाई किस तरीके से कराते हैं। फर्स्ट बॉल कमान बुमरा बुम 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 रा बुम 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 रा बुम रा बुम रा, इधर फील्डर के हाथों में बढ़िया बॉल बुमरा भाई की, और ओवर थ्रो तो नहीं चाहिए भाई अपने को। सो बहुत बढ़िया, ये देखो भाई क्या बॉल निकाली, बढ़िया बढ़िया। कमान बुमरा एक और डॉट यहाँ पे, अच्छा ओवर निकालेंगे बुमरा तो भाई हमारे लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड बॉल बुमरा भाई कुछ ज़्यादा ही बाहर चली गई भाई, ओवर स्विंग हो गई यहाँ पे। अरे भाई अरे तुम तो आपस में फेंके जा रहे हो भाई, चलो भाई सिमुलेट करते थोड़ा सा। चलो भाई 71 पे दो विकेट है यहाँ पे, मैनेज बॉलर भाई यहाँ पे लेके आएंगे हम युजवेंद्र चहल को। अरे भाई चहल क्यों नहीं आ रहा, अच्छा दो बॉलें बची हुई है, पहले दो बॉल कंप्लीट करूँगा तभी तो आएगा। और भाई किसने खेल दिया इतना जो 71 पे पहुँच गए है, पर बढ़िया रोका भाई इंडिया ने भी, यहाँ से मैच बना रखा है अपने लिए। तो देखो भाई इंडिया का तो पूरा ऑटो प्ले अभी तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सिचुएशन वैसी है नहीं ऑटो प्ले करने वाली। एक ओवर करवाऊँगा चहल का, फिर सिमुलेट करूँगा भाई। तो देखो पूरा मैच तो हम आपके यहाँ नहीं दिखा सकते, आप लोग को पता भाई कितनी तकलीफ़ होती है एडिट करने के लिए एज अ शुरू के यूट्यूबर के लिए भाई। 10 ओवर में भाई यहाँ पे 72-73 रन आए, तो इंडिया का भाई बढ़िया प्रेशर यहाँ पे। सो यूजी भाई आ चुके हैं भाई, यूजी भाई आ चुके हैं, फर्स्ट बॉल डालेंगे ब्रैंडन किंग को, और ब्रैंडन किंग ने उठा के मारा 4 रन के लिए, बढ़िया शॉट गैप में खेला भाई बिल्कुल। मेरे को लगा बंदा लेग साइड में मारेगा, पर भाई बंदे ने लेग में मारा पर गैप में मारा। सो इट्स टाइम टू चेंज द फील्ड, यहाँ पे फील्ड चेंज करते हैं भाई, अपनी फील्ड चेंज करेंगे तो भाई इनकी फट जाएगी अभी, क्योंकि भाई हम फील्ड ऐसी चेंज करते हैं ना साले पगला जाते हैं। सो पेस टू डिफेंसिव, वी हैव टू गो टू पेस टू डिफेंसिव, जहाँ से भाई हम फील्ड खोलेंगे अपनी, और इनको भाई ऐसे रनों पे रोकेंगे ना कि साले जीत ही नहीं पाएंगे जीत गए। कमऑन कमऑन, बस भाई आप लोग सपोर्ट दिखाओ, वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ भाई साथ साथ, आप लोग ग्रोथ दिलवाओगे तो भाई मज़ा आएगा अपने को, है ना भाई। थोड़ा सा आप आई होप आप समझोगे भाई। सेकेंड बॉल युजवेंद्र चहल, इधर फील्डर के हाथों में एक ही रन मिलेगा यहाँ पे, कोहली भाई हैं क्योंकि फेंका जिसने है, गूगल डाली सिमरन हिटमायर, बढ़िया बॉल यूजी की भाई, बढ़िया बॉल बढ़िया, ऐसी ऐसी यूजी भाई ऐसी करवाओ। फोर्थ बॉल देखते क्या करते हिटमायर, बढ़िया कट खेला पर एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। ओ भाई क्या आप फील्डिंग कर रही है इंडिया, तो भाई प्रेशर तो बन रखा है वेस्ट इंडीज में, ऐसी बात नहीं कि इन पे नहीं बन रखा। पांचवी बॉल बढ़िया बॉल यहाँ पे युजवेंद्र चहल की, यूजी इज इन द हाउस, बढ़िया भाई बढ़िया। लास्ट बॉल कमन यूजी भाई, बढ़िया बॉल भाई बहुत बढ़िया डॉट बॉल, तो अच्छा ओवर निकाला भाई, एक चौका जरूर आ गया था, वो अपनी गलती से आया था। तो सिमुलेट करते भाई थोड़ा सा, चलो भाई 24 रन 11 बॉलों में। कमार जोसेफ फर्स्ट बॉल मोहम्मद सिराज की, बढ़िया बॉल। अरे अरे तुम्हारा भाई आपस में वो चल रहा है खेल, फील्ड खोल दे तो भाई पता लगे, एक भी गलती से चौका चला गया ना तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई इंडिया ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है भाई यहाँ पे, मैं सिमुलेट कर रहा हूँ, और इंडिया ने भाई विकेट चटकाती गई है इंडिया यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया बैटिंग मतलब बॉलिंग करते हो यहाँ पे। और भाई सारा सिरे यहाँ पे जाएगा मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद सिराज ने भाई रन जोड़े टीम के लिए, अगर मोहम्मद सिराज रन नहीं जोड़ता ना भाई तो दिक्कत आ जाती टीम को। और यहाँ भी दो विकेट लिया भाई बंदे ने। थर्ड बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, सो भाई यहाँ पे भी दो विकेट लिए, तो भाई फुल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग डालते हुए भाई यहाँ पे। रोवन पोवल, अरे भाई मैं भूल गई बैट्समैन है, और फील्ड खोलनी थी मेरे को नहीं खोल पाया, छक्का जड़ दिया भाई यहाँ पे।
पर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भाई अभी भी ले जा सकती है मैच, ऐसे की बड़ी बात नहीं है भाई। ये काली शक्ति होती है भाई, और ये काली शक्ति है कब चल जाए कुछ पता नहीं। ये रोवन पोवल ही भाई मैच निकाल दे, पता लगे 5-6 छक्के जड़ दे अभी तो पूरा मैच ही ख़त्म हो जाएगा भाई यहाँ से। तो थोड़ा सा फील्ड खोलते हैं भाई अपने लिए, क्यों रिस्क लेना है ना भाई, पता लगे भाई मैच ही आ जाए यहाँ पे। सिराज भाई ने इतनी मेहनत करी है। आखिरी बॉल, सॉरी फिफ्थ बॉल। अबे यार ये तो एज लगा था भाई और रोकना चाहिए था ये। यहाँ पे रोहित शर्मा थोड़ा समझाते हो भाई, कोई बात नहीं भाई, मैंने बोला था ना काली सकती है, एक और छक्का भाई। लो भाई अब 6 बॉलों में चाहिए 7 रन। कोहली भाई करवाएंगे फर्स्ट बॉल, बढ़िया बॉल यहाँ पे। They really need a boundary this ball. Second ball. अरे यार चौका भाई, मैच ही खत्म अपना। हारना तो भाई जब भी था यार, रन थे भी नहीं इतने, वो तो बन गए जैसे तैसे। 3 रन चाहिए बस। ये भी चौका भाई, इसी के साथ भाई मैच खत्म यहाँ पे। तो वेस्ट इंडीज ने भाई वर्ल्ड T20 का फर्स्ट मैच भाई यहाँ पे आराम से जीत लिया है। तो 3 विकेटों से भाई मैच जीत लिया है यहाँ पे, और मैन ऑफ द मैच कौन गया भाई, अल्जारे जोसी भाई। अच्छा इसने विकेट लेके बैट, ओ भाई 4 विकेट ली थी। तो चलो गाइज इसी के साथ भाई हम आपको मिलते हैं कल, तो भाई आज के लिए टाटा एंड बाय बाय टू एवरीवन। और गाइज अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई तो भाई जल्दी से वीडियो पे लाइक कर दो, मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे आप 10 लाइक तो करवा ही दोगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ साथ भाई बेल आइकन भी दबा दो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो